सोशल मीडिया, धमकी और प्यार में तकरार, इन तीनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो मन में बहुत घिनौनी करतूत मंडराती है। घटना की जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट देखिए। साफ साफ लिखा है, आज शाम कार्यालय में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत परेशानी की हालत में बताया कि उसकी बेटी का पूर्व प्रेमी पुरानी वीडियो चैट की रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देकर पूरे परिवार को परेशान कर रखा है। यहाँ तक कि उसने वह वीडियो लड़की के पिता को भी भेज दी। ये ट्वीट बिहार के उस ब्यूरोक्रेट की है जिसके काम की धमक सचिवालय में भी गूंजती है। पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार, जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा। अब घटना के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल राहुल कुमार की मुलाकात एक प्रताड़ित परिवार से होती है जो बेहद संगीन मामला लेकर न्याय की गुहार लगाने पूर्णिया डीएम के पास पहुंचा होता है। परिवार का मुखिया परेशान दिखता है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। परिवार वालों का साफ आरोप था कि उसकी बेटी का पूर्व प्रेमी अब उसकी बेटी समेत पूरे परिवार को धमका रहा है। पुराने चैट और कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। परिवार वालों का ऐसा कहना था कि अगर ऐसा होता है तो उनकी बेटी समेत पूरे परिवार के इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। बस इतना ही सुनना था कि राहुल कुमार ने पूर्णिया के सुपरिटेंडेंट पुलिस को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। एसपी दया शंकर के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने भी आदेश को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के लोकेशन की जांच शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने अपनी निपुणता दिखाते हुए आरोपी को दरभंगा से धर दबोचा। अब आरोपी शिकंजे में और परिवार चैन की नींद में। राहुल कुमार के इस ट्वीट पर लोग उनके काम की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। राहुल कुमार ने साफ साफ बताया कि किसी भी परिवार को इस तरीके की घटनाओं के बाद जज नहीं किया जा सकता। इस तरीके की घटना किसी के भी साथ हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सबसे पहले डर मन से निकाल दे। पूर्णिया डीएम ने साइबर क्राइम से बचने की भी सलाह दी है और उक्त आरोपी को उचित सजा दिलवाने की भी बात कही हुई है।